जय माता दी। दोस्तों, अक्टूबर माह शुरू हो चुका है, अब भक्त नवरात्रि के लिए उत्सुक भी हो रहे होंगे। हालांकि अधिक मास पड़ने के कारण इस बार माँ के भक्तों को थोड़ा इंतजार तो जरूर करना पड़ा, लेकिन आपको बता दें इस बार नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी जा रही है। इस साल यानी 2020 में नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेंगी। जैसा कि सब जानते हैं, नवरात्रि में 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माँ के हर रूप का अपना ही महत्व है। जहाँ तक कि भगवती दुर्गा ने स्वयं कहा है, नवरात्र के काल में जो सच्ची आस्था, भक्ति और भावना से मेरी पूजा, उपासना, आराधना या साधना करेगा, मैं उसके समस्त पाप, ताप, दुख, दरिद्र को दूर कर उसे निर्मल आनंद प्रदान करूंगी, साथ ही उसकी रक्षा करूंगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे नवरात्र में किस दिन माँ दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा होगी। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रथम शैलपुत्री अर्थात माँ का पहला रूप हिमालय को तपस्या से प्राप्त पार्वती जी शैलपुत्री जी का है, जिसे 17 अक्टूबर 2020 के दिन मनाया जाएगा। द्वितीय ब्रह्मचारिणी यानी कि ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी, इनकी पूजा नवरात्र में दूसरे दिन होती है जो कि 18 अक्टूबर को की जाएगी। तृतीय चंद्रघंटेती माँ दुर्गा का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा का है, इनकी पूजा 19 अक्टूबर को की जाएगी। माँ का ये स्वरूप परम प्रसन्नता देने वाला है। इनके मस्तक में घंटे का अर्ध चंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। कुष्मांडेती चतुर्थकम नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा का है, इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इस बार 20 अक्टूबर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। पंचम स्कंद मातेती नवरात्रि के पंचम दिन माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। 21 अक्टूबर को इनकी पूजा की जाएगी। माँ का ये स्वरूप मोक्ष के द्वार खोलने वाला है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। षष्ठ कात्यायनी च 22 अक्टूबर छठे दिन माँ कात्यायनी पूजा की पूजा विधान है। इनकी भक्ति करने से बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। सप्तम कालरात्रि ते माँ दुर्गा का सातवां स्वरूप कालरात्रि का है। इस बार 2020 में 23 अक्टूबर को इनकी पूजा की जाएगी। माँ कालरात्रि का ये स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत, आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। महागौरी ती चाष्टमम अर्थात अत्यंत गौर स्वरूपा नवरात्रि के आठवें दिन यानी 24 अक्टूबर को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। इनकी आराधना मनुष्य को भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख से दूर रखती है। नवम सिद्धदात्री माँ का नवा स्वरूप सिद्धदात्री का है। 2020 के शारदीय नवरात्रि में 25 अक्टूबर माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाएगी। माँ का ये स्वरूप सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।